क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारी हिस्ट्री बुक से शिवाजी महाराज मिसिंग क्यों है? मराठा एम्पायर जो अपने चरम यानी पीक के दिनों में कुछ ऐसा नजर आता था, उसके फाउंडर शिवाजी महाराज के बारे में पूरे सिलेबस में 5 या 6 लाइन्स ही लिखी गई हैं। ये भयानक इसलिए नहीं है कि हम एक महान रूलर के बारे में जान नहीं पाते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि जब हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं तो हम अपने बच्चों को उनके लाइफ लेसन से भी दूर रखते हैं। बिकॉज द ग्रेट शिवाजी वॉज फादर ऑफ ऑल द मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर्स। इस वीडियो के अगले कुछ मिनट में हम शिवाजी की लाइफ से कुछ ऐसी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे जिनका इम्पैक्ट आज की लाइफस्टाइल में भी पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए फॉलो ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, ज्ञान यानी नॉलेज हर तरफ होती है। शिवाजी जब छोटे थे तो उनके फादर शाहजी राजे जागीरदार थे, बीजापुर सल्तनत के। छोटे शिवाजी पुणे में थे तो उनके पिताजी उनसे दूर, मगर उनकी माँ जीजाबाई ने उन्हें अपने मॉरल्स और पिता के संस्कार दोनों ही दिए। बचपन से ही जीजाबाई ने शिवाजी को महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाई। महाभारत और रामायण से शिवाजी ने सीखा टीम बिल्डिंग का सबसे बड़ा महत्व, क्योंकि रामायण में भगवान राम चाहते तो अकेले ही लंका जाकर सीता माँ को ला सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी टीम बनाई, क्योंकि हमेशा एक से भले दो होते हैं। शिवाजी ने ये बात समझ ली थी कि रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि साम्राज्यों की हकीकत है। शिवाजी को लगता था कि इनसे एक लीडर आज के वक्त में बहुत कुछ सीख सकता है। शिवाजी ने इतना सारा ज्ञान बहुत ही कम उम्र में हासिल कर लिया था। शिवाजी के रग रग में स्वराज का सपना था, मगर ये सपना तभी पूरा हो सकता था जब ये सपना दूसरों को भी अपना लगने लगे, क्योंकि शिवाजी चल रहे थे टीम बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर। शिवाजी महाराज ने इसी कॉन्सेप्ट के बलबूते पर महज 30 साल की उम्र में 1-2 नहीं बल्कि 300 किले फतेह कर लिए थे। शिवाजी ने हालांकि कभी भी अपनी अचीवमेंट्स का क्रेडिट खुद नहीं लिया। उन्होंने हमेशा कहा कि उनकी हर जीत में उनकी आर्मी का सबसे बड़ा हाथ था। बता दें कि शिवाजी ने अपनी लॉयल आर्मी बनाई थी मेवल नाम के एक छोटे से एरिया में, जिसे वो मेवल आर्मी कहा करते थे। ये आर्मी शिवाजी के एक इशारे पर अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहती थी। श्री राम की ही भांति शिवाजी ने उनसे दोस्ती बनाए रखने के लिए उन्हीं की थाली में खाना खाया, ताकि वो खुद को कभी राजा से नीचा ना समझें। यही वजह है कि लोगों ने ये कभी नहीं कहा कि शिवाजी राजा थे, बल्कि उनके मुंह से हमेशा यही शब्द सुनाई पड़े कि छत्रपति हमारा राजा है। नंबर 2, आराम को छोड़ो। छत्रपति शिवाजी को भारतीय नेवी का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन नेवी। आज हर किसी को ये तो पता है कि यूरोपियंस ने अपने नेवल सुप्रीमेसी के जरिए पूरे विश्व को कॉलोनाइज किया, मगर ये बात काफ़ी कम लोगों को ही पता है कि भारत के पांड्या और चोला डायनेस्टी के लोग शिप बिल्डिंग में यूरोपियंस से भी आगे थे। अगर आप आज इंडोनेशिया या थाईलैंड जाएंगे तो वहाँ रामायण काल से इंस्पायर्ड कई सनातन टेम्पल्स पाएंगे। हमारे सनातन सभ्यता के विस्तार का श्रेय इन साउथ की डायनेस्टीज को जाता है, मगर 13वीं शताब्दी के बाद से ही भारत की नेवल स्ट्रेंथ कमजोर बनने लगी थी, जिसकी वजह से हमें अरब ट्रेडर्स पर डिपेंड होना पड़ा एक्सपोर्ट्स के लिए। नेवल स्ट्रेंथ कमजोर होने की वजह से हमें पुर्तगालियों और ब्रिटिश इन्वेडर से भी खतरा हो गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को समझ आ गया था कि खतरा सिर्फ सल्तनत से ही नहीं, बल्कि इन कॉलोनाइजर से भी आने वाला है। यही वजह थी कि अब शिवाजी ने अपना पूरा ध्यान इंडियन नेवी को बिल्ड करने में लगा दिया था। इतिहासकार बताते हैं कि मराठा नेवी में 20 बड़े जंगी जहाज थे। इन्हीं की मदद से उन्होंने ब्रिटिशर्स को कोंकण से भगाया था। वो ब्रिटिशर्स के गंदे मंसूबे जानते थे। उनकी रणनीति इतनी तगड़ी हुआ करती थी कि वो छोटी सेना से बड़ी सेना को हरा दिया करते थे। नंबर 3, अकेले की ताकत। आजकल हर जगह हर गली नुक्कड़ पर डिवाइड एंड रूल की थ्योरी बताई जाती है कि अंग्रेज आए, उन्होंने हमें डिवाइड किया और रूल किया, मगर छत्रपति शिवाजी की भी एक ऐसी ही पॉलिसी थी जो सच्ची भी थी और कारगर भी। शायद यही वजह है कि औरंगजेब शिवाजी के बारे में लिखता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 19 साल शिवाजी को हराने में लगा दिए, मगर उसका साम्राज्य कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। अब पूछो कैसे? तो पोर्टुगीज शिवाजी महाराज को अटिला ऑफ हिंदुस्तान कहा करते थे। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने जनता से सवाल किया कि हम हमारी ही धरती माता पर डर डर कर क्यों जिए, दूसरों की गुलामी क्यों करें, क्या हम खुद को संभाल नहीं सकते? जवाब में शिवाजी ने कहा, स्वराज्य। स्वराज्य वो आइडिया था जिसने हर व्यक्ति के मन में स्वतंत्र होने की सोच पैदा की थी।
स्वराज के आइडिया का पालन करते हुए ही बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस ने आजादी का बिगुल बजाया था। कुछ देर पहले मैंने दो क्वेश्चन दिए थे कि आखिर शिवाजी से औरंगजेब 19 साल तक परेशान क्यों रहा, साथ ही पोर्टुगीज उन्हें अटिला ऑफ हिंदुस्तान क्यों बुलाते हैं। तो इसका जवाब शिवाजी ने अपने सवाल के जरिए दिया था। उनका सवाल कि आखिर क्यों हम किसी की गुलामी करें, इतना ज्यादा लोगों को सही लगा कि लोग प्रेरित होते गए और उनके साथ जुड़ते गए। शिवाजी की जिंदगी से इंस्पायर्ड ये सिर्फ 3 पॉइंटर्स हैं। जस्ट इमेजिन उनकी पूरी लाइफ हमें कितने प्रैक्टिकल लेसन्स दे सकती हैं। ऐसे महान लीडर की कहानी अगर आज के बच्चों को सही से पढ़ाई जाए तो क्या वो अपने फील्ड में सक्सेस के झंडे नहीं गाड़ सकते हैं। आपका क्या मानना है इस टॉपिक पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।